हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। तो यार, मोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ लगभग रोज ही आ रही है और रोज नए नए मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं और जून में तो इतने मोबाइल लॉन्च होना है कि क्या बताऊं। रोज मतलब अब ये नेक्स्ट वीक में जो है हर दूसरे दिन आपको एक नया मोबाइल देखने के लिए मिलने वाला है। तो सभी मोबाइल काफी तगड़े होने वाले हैं और कुछ मोबाइल तो ऐसे हैं जिसका वेट हम काफी टाइम से कर रहे हैं, तो जैसे कि OnePlus Nord CE 5G। तो आज की वीडियो में आपको मोबाइल रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूँ जो कि पिछले एक दो दिन में सामने आए हैं। कुछ मोबाइल के स्पेसिफिकेशन वगैरह कन्फर्म हुए हैं तो कुछ के लॉन्च डेट वगैरह कंफर्म हुई है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो से आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प होगी अगर आप एक नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की। तो ये निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग और एएमडी ने आपस में पार्टनरशिप कर ली है। तो सैमसंग की जो नेक्स्ट चिप है एक्जिनस 2200, वो एएमडी के साथ मिलकर लॉन्च होने वाली है, यानी कि उसमें आपको एएमडी जीपीयू देखने के लिए मिलने वाला है। सैमसंग ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि वो अपनी जो फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस है उसे बढ़ाना चाहता है और कहा जा रहा है कि ये चिपसेट आपको 2021 के एंड में या फिर 2022 के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस चिपसेट से जो है जो भी गेम परफॉर्मेंस अभी सैमसंग के मोबाइल में है उसकी जो है 25% आपको ज्यादा मिलने वाली है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस चिप से आपको मिलने वाली है। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये चिपसेट कितना पावरफुल है और कितनी गेमिंग पावर को इम्प्रूव करता है। तो आपको क्या लगता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगले न्यूज की बात करूं तो ये निकल के आ रही है Realme की तरफ से। Realme बहुत जल्दी एक ऐसा 5G फोन लाने वाली है जो कि अंडर 10K होने वाला है। माधव सेठ ने भी अनाउंस कर दिया है कि कंपनी इस समय ऐसे 5G फोन को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है जो कि 10,000 के अंदर अंदर होने वाला है। ये फोन बहुत जल्दी इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है और हो सकता है कि 2021 के एंड में ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाए। मुझे लगता है कि ये फोन Realme की C सीरीज में लॉन्च होने वाला है क्योंकि Realme C सीरीज के फोन जो है कॉस्ट वाइज थोड़े कम होते हैं। तो वो देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये फोन जो है किस सीरीज में लॉन्च होता है और इस फोन में और क्या क्या हमें मिलने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो ये निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। MI 11 Lite बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका कंफर्मेशन मनु कुमार जैन ने भी अपने एक ट्वीट के थ्रू कर दिया है। ये फोन 5G और 4G दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। तो कौन सा वेरिएंट इसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बात करूं फोन के कुछ हाईलाइटेड फीचर की तो 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही स्नैपड्रैगन 732G या 780G मिलने वाला है, वो डिपेंड करता है कि 4G वेरिएंट या 5G वेरिएंट पे। साथ ही फोन में आपको 4200mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 33 फास्ट चार्जिंग को। फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का। तो कहा जा रहा है कि फोन आने वाले 1-2 महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि फोन का प्राइस अंडर 20,000 होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि फोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा और उसका क्या प्राइस होने वाला है आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो IQ Z3 इंडिया में 8 जून को लॉन्च होने वाला है। फोन काफी धमाकेदार एंट्री के साथ आने वाला है क्योंकि कई सारे बढ़िया फीचर आपको फोन में मिलने वाले हैं। बात करूं अगर फोन के कुछ हाईलाइटेड फीचर की तो फोन में आपको 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है। साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी फोन में मिलने वाला है। बात करूं बैटरी के तो 4400mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 55 वॉट फास्ट चार्जिंग को। साथ ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है और ये ऐसा पहला फोन होगा जो कि 768G प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च होगा। साथ ही फोन के बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। फोन के बारे में अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगी आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो ये निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus Nord CE बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 10 जून को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब काफी सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि जब से OnePlus ने ये कंफर्म करा है कि इसका प्राइस जो पुराने वाला Nord है उससे भी कम होने वाला है और फीचर उससे भी कई सारे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो कई सारे लोग जो है इस फोन का वेट कर रहे हैं। वैसे इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी फोन में मिलने वाला है। अच्छी बात यह है कि फोन जो है पिछला जो फोन था उससे काफी ज्यादा स्लिम आपको देखने के लिए मिलने वाला है और साथ ही 3.5mm का जैक भी फोन में दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फोन का जो प्राइस है वो अंडर 25,000 होने वाला है क्योंकि पिछला जो फोन था नॉट वो 25,000 में था, तो इसका प्राइस डेफिनेटली उससे तो कम ही होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि इसका बेस वेरियंट आपको 23,000 में मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस फोन के बारे में भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो चैनल पे उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।